बुलंदशहर से रेशु कुमार, पत्रकार की रिपोर्ट। भाजपा प्रत्याशी को मिली जान से मारने की धमकी। बुलंदशहर सदर विधानसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी को मिली जान से मारने की धमकी। फोन पर गोली सी उड़ाने की भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी की दी गई धमकी। चुनाव प्रचार के दौरान इंटरनेट कॉल के जरिए दी गई हत्या की धमकी। पीड़ित ने मामले की कोतवाली देहात में दी तहरीर। पुलिस जांच में जुटी। आपने कोतवाली में तहरीर दी है, क्या पूरा मामला था, किस तरीके की धमकी दी गई है और क्या कहा गया है? भारतीय जनता पार्टी भाजपा प्रत्याशी जी, कल 2:54 पे आउट ऑफ कंट्री से फोन आया। उसने कहा प्रदीप चौधरी कहाँ है? उसने बताया मेरे दो साथ मेरे भाई जो सरदार नगर में प्रचार कर रहे हैं। बोला वो शब्द उसने गाली गलौज दी, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, अभद्र भाषा का उपयोग करा। बोला साले गोली मार दूंगा उसका आगे, और मेरा नाम खान साहब है। इस तरह की मैंने उससे कहा मैं ठीक है भाई, इधर धमकियों से कहाँ डरते कोई आदमी। हम तो जब स्वयं से संघ रहे, पहले संघ में हमने काम करा, और राम भक्त है, राम भक्त कौन रहा है भाई? मुलायम सिंह जी ने कोई गोली चलवाई, हम पर क्या फर्क पड़ा भाई? तो उसमें चुनाव न लड़ने की भी कोई बात कही है? नहीं, मुझे बोलने की चुनाव लड़ने की भाई आते ही तुझे गोली मार दूंगा। मैं मेरे से नहीं कहा, उसका कहा जो फोन था तो बाद में मैंने नंबर मिलाया तो मिला नहीं, हाथ 7 नंबर का नंबर था। तो आप शासन प्रशासन से क्या मांगते हैं? पहला तो ये कि विपक्ष जो है ना, ये जनसैलाब को देखकर घबरा गया, इसलिए वो चारों तरफ से ऐसी योजना बना रहा है कि भाई इसके उनसे डरा करके इलेक्शन में डेमोलाइज करते हैं उसको। और हम कहाँ डरने वाले हैं भाई जी, हम तो राम भक्त हैं, जय श्री राम होगा वही जो राम रचना का। तो क्या मांग करते हैं शासन प्रशासन? मैं कोई मांग नहीं करते, ये किस तरह के षड्यंत्र नाच रहे विपक्ष जो, जब उनके पास पल्ले कुछ है ही नहीं, अब इधर से धमकी उनकी दिलवा के प्रसाद उसका प्रत्याशी का मनोबल टूट जाए, काम कर रहे हैं।